अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आवाज आ रही है? हाँ वालेकुम सलाम। जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के हवाले से कई दफा पेपर में आया हुआ है। एक ऑर्डर क्या दिया हुआ है बच्चों इसमें? और देखें के की पावर 3 है, अगर एक ऑर्डर 4 होगा तो के की पावर 4 हो जाएगी, अगर 5 होगा तो 5 हो जाएगी, और इसी तरह ये सवाल बन जाता है। 10 क्वेश्चन है, उसने हमें नहीं बताया मैट्रिक्स कौन सा है, तो हम अपनी मर्जी का ले सकते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 5 9 0 0 3, ये एक मैट्रिक्स है, आपकी मर्जी है जैसा भी मैट्रिक्स लें, इसका डिटर्मिनेंट निकालें। तो 1 2 3 0 5 9 0 0 3, तो ये ट्रायंगुलर है कि नहीं है बच्चों? यस सर है। तो ट्रायंगुलर जो होता है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, उसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर 1 × 5 × 3 विच इज 15 ये लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम इसको के से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, तो के इंटू 1 2 3 0 5 9 0 0 3, तो के को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ये होती है कि सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो ये 1 के, ये 2 के, ये 3 के, 0 के, 0 ही हो गया, 5 के, 9 के, 9 के, 0 0 3 के। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो अगले स्टेप में इसका डिटरमिनेंट लिखते हैं, के ए डिटरमिनेंट 1 के, 2 के, 3 के, 0 5 के, 9 के और 0 0 3 के। तो इसको भी उसी टेक्निक से एक्सपेंड करें, तो ये 1 के × 5 के × 3 के, तो ये हो गया आपके पास 15 के³। तो क्या बेटा ये K³ × 15 लिख सकते हैं इसको? बोलिए। तो देखिए 15 A डिटरमिनेंट की वैल्यू है, तो 15 की जगह A डिटरमिनेंट लिख दें फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। तो क्या आप लोगों ने यही प्रूव करना था? यस सर। चल, कोई प्रॉब्लम? नो सर। उससे आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पहले कर लेते हैं। वो कहता है विच आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, तो जिसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो हो जाए उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट लेट कर लें, ए नाम रख लें इसका 1 0 3 3 1 -1 0 2 4, तो एक्सपेंड कर दीजिए, सॉरी पहले डिटरमिनेंट लिखिए, ए डिटरमिनेंट 1 0 3 3 1 -1 0 2 4, तो किससे एक्सपेंड करना चाहते हैं? एक्सपेंडिंग बाय आर वन। अली हसन? यस सर। बेटा जो आर वन है उसके सिंबल क्या होते हैं? सर प्लस माइनस प्लस। शाबाश, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास प्लस वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
तो आपके पास आ जाएगा 1 - 1 = 4, तो इनको आगे -0, उसके बाद +3, फर्स्ट और थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, 3 - 1 = 2। तो सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा, इस तरह मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 - -2 + 3 और ये आ जाएगा 6 - 0, तो ये हुआ 6 और ये हुआ 18, तो कितना आंसर आ गया? 24. तो क्या डिटरमिनेंट 0 आया है? नो सर. सो गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बेटा यहां गौर से देखें, आपने निकाला डिटरमिनेंट है और बताया मैट्रिक्स के बारे में है, ऐसा ही है? यस सर। तो इसे मैं यूं कहता होता हूं कि डिटरमिनेंट जो होता है ना, वो एक मैट्रिक्स का बच्चा होता है, बेटा होता है। तो चेक हम डिटरमिनेंट उसके बेटे को कर रहे हैं, बताओ उसके बाप के बारे में रहे। तो एक बड़ी एक सोचने वाली समझने वाली बात है कि आप स्टूडेंट्स जो हैं, जब हम आपसे बात करते हैं, आपका जो आगे से रिस्पांस आता है वो पढ़ने के हवाले से हो या उसके अलावा वैसे बात की जाए आपसे, तो आपका जो रिस्पांस आता है वो आपकी तरबियत के बारे में बता रहा होता है। यानी हम चेक तो डिटरमिनेंट को कर रहे हैं, लेकिन बता किसके बारे में रहे हैं? मैट्रिक्स के बारे में। तो चेक हम बेटे को कर रहे हैं, लेकिन बताओ उसके बाप के बारे में रहे हैं। तो ये मैं एक वैसे एग्जांपल दे देता होता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। चेक डिटरमिनेंट किया जाता है, जबकि बताया मैट्रिक्स के बारे में जाता है फॉर सिंगुलैरिटी, कि वो सिंगुलर है या नहीं है। तो सेकेंड पार्ट यकीनन आप ट्राई करेंगे, क्या तीसरा पार्ट भी करेंगे या मैं कराऊं? हाँ मैं करा दूं। तो देखिए तीसरा पार्ट, लेट नाम रख लीजिए सी। इस पे आज मैं आपको ऑपरेशन लिखवाऊंगा ताकि इसकी एक्सपेंशन आसान हो जाए, जैसे ऑपरेशन हमने एक पीछे क्वेश्चन 8 गुजरा शायद, हाँ उस पे लगाए थे, तो एक्सपेंशन हमारे लिए उसमें आसान हो गई थी। इसी तरह हम इस पे भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, सबसे पहले मैट्रिक्स पे लगाते हैं, डिटरमिनेंट पे नहीं। 1, 1, 2 - 1, वो जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी ना, वही इस पे लगती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है या 7 है। तो बेटा हमें इस 1 की जगह हम 0 लाना चाहते हैं, तो 1 की जगह 0 आएगा, 1 - 1 करके अगर हम ये वाला 1 इससे सबट्रैक्ट कर दें तो 0 आ जाता है। तो ये है R2 और ये है R1, तो मतलब हम R2 में से R1 सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 - 1 = 0 आ गया, 2 - 1 = 1 आ गया, -1 और -2 - 3 आ गया, -3 और ये +1 हो जाएगा, -2 आ गया। क्या बेटा ये ऑपरेशन ठीक किया है? यस सर। अच्छा अगले, इस 2 की जगह हम 0 चाहते हैं, तो 2 की जगह 0 -2 से आता है, तो इसका तरीका कुछ यूं होता है, ये आज आप पहली दफा कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको उसका आसान तरीन तरीका बताता हूं, फिर आपको 3.4 में आखिरी सवाल में शायद या एक सवाल पहले आता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उसमें रो ऑपरेशन सिखाएंगे, ये हैं वही, लेकिन आज उसकी जरा आसान फॉर्म सीखते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सबट्रैक्ट करें, ये कौन सी रो है बच्चों? R3 -2 R1। इसका मतलब मैंने क्या बताया है कि रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 से सबट्रैक्ट कर दें, यही बताया ना? Yes, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा? 2 और इस 2 से सबट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। Yes, sir. अच्छा इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बार बार वही बात आ रही है, ठीक है। अगर 2 से नहीं तो इसको यूं भी लिखते होते हैं, ये तरीका भी सीख लें, -2 R1
प्लस आर थ्री। क्या बेटा है सर्कल वाले को ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। क्या हम इसको बता सकता है कि ये जो मैंने अभी लिखा है इसका मतलब क्या है? दिस वन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर, आपने इनकी जगह बदल दी दोनों की। ना इसका मतलब इसके बारे में मैंने बताया, लेकिन ये और ये एक ही बात होती है, लेकिन इससे हमारे लिए आसानी हो जाती है। क्या कोई बता सकता है आप तीनों में से? सर आर वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करके। हाँ माइनस टू आर वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करके आर थ्री में ऐड कर दें, यही बनता है? यस सर। देखो इधर, इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? माइनस टू प्लस थ्री कितना होता है? वन। इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, माइनस फोर और इसमें वन ऐड कर दिया, तो क्या आया? माइनस थ्री। इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई, सॉरी ऊपर, इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई किया टू और प्लस टू कर दिया, तो क्या आया? फोर। हो गया ऑपरेशन? आप इसको यूं भी कर सकते हैं, ये भी मैं मिटा दूंगा, देख लें। इसका मतलब आर वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा माइनस टू, इससे किया फिर इससे किया माइनस टू, फिर इससे किया माइनस फोर, फिर इससे किया प्लस टू, यही बनता है? Yes, sir. लिखा हुआ प्लस आर थ्री, तो आर थ्री ये है, इसके नीचे लिख दीजिए टू थ्री वन टू। अब इनको आपस में ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा आपके पास? जीरो, यहां वन, यहां माइनस थ्री और यहां फोर। क्या हमने यही लिखा बच्चों? यस सर। यानी अगर आप लिख के करना चाहें रफ, ये रफ काम है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? रो ऑपरेशन। क्या कहते हैं बच्चों? रो ऑपरेशन। आगे जाके बहुत करने हैं। अच्छा, अब हमें इस थ्री की जगह जीरो चाहिए। कौन सी रो है बच्चों? ये आर फोर और इसर माइनस थ्री आर वन से हमें जीरो मिल सकता है। यानी इसका मतलब यह भी है कि यह लिखा जाएगा माइनस थ्री आर वन प्लस आर फोर। क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। और इसके मीनिंग सुन लीजिए, आर वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करके आर फोर में ऐड कर दे। ये देखे बेटा, इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा? माइनस थ्री। और इसमें ऐड कर दिया माइनस थ्री प्लस, क्या मिलेगा? जीरो। जीरो। इसको भी माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया, माइनस थ्री और ये माइनस वन, क्या बना? माइनस फोर। इसको भी माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया, माइनस सिक्स और प्लस थ्री, क्या बना? माइनस थ्री। इसको भी माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया थ्री और ये फोर, थ्री और फोर ऐड होगी कितना हो जाएगा? सेवन। तो ये हमारे पास ऑपरेशन हो गया। अब पहले कॉलम में सारी एंट्री जीरो हो गई सिवाय पहले वन के। अब बेटा हम इसको अगर कॉलम वन से पहले डिटर्मिनेंट लिखेंगे और फिर कॉलम वन से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। यानी एक स्टेप के ऑपरेशन से हमारे लिए आसानी आ गई। तो एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन, तो कॉलम वन के सिंबल क्या होते हैं? प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्लस वन, सॉरी ये गड़बड़ हो गई ना, हमने यहां पर पहले डिटर्मिनेंट नहीं लिखा। वी कांट एक्सपेंड अ मैट्रिक्स, वी कैन एक्सपेंड ओनली डिटर्मिनेंट। तो पहले डिटर्मिनेंट तो बनाएं, तो इधर लिखेंगे सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वन वन टू माइनस वन जीरो वन माइनस थ्री माइनस टू जीरो वन माइनस थ्री फोर और जीरो माइनस फोर माइनस थ्री सेवन।
आप ये काम जो क्वेश्चन नंबर 7 के डिटरमिनेंट है उनके साथ भी कर सकते हैं। अब लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, तो कॉलम 1 के सिंबल यहां लिख दिए, बरल फिर लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। तो बेटा ये आ जाएगा प्लस 1, पहली रो पहला कॉलम छोड़े तो हमारे पास ये एंट्रीज आ रही हैं, उसके बाद अगली सारी एंट्री जीरो हो जानी है, माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो। इसको एक्सपेंड करना हमारे लिए अब आसान है ना, किससे एक्सपेंड करें, जी मिनाहिल किससे कहा, C1 से। चले जरूरी नहीं है जिससे मर्जी कर, माइनस प्लस। तो देखिए इसकी जगह नाम है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या ये चार एंट्रीज हैं, मल्टीप्लाई किया -21 प्लस 12 कितना होता है, -9। अगली एंट्री -1, दूसरी रो पहला कॉलम, तो बेटा दो ये हैं और दो ये हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा -21 -6, तो -27 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद तीसरी एंट्री प्लस और आगे ब्रैकेट में -4, और फिर ये तीसरी रो पहला कॉलम, तो बेटा ये चार एंट्रीज हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो -12 -6, ये -18 आ जाएगा। तो ये आ गया -9, ये आ गया +27 और ये आ गया +72। तो ये आपके पास आ गया सी डिटर्मिनेंट क्या, 72 होता है ना, यही बनता है सर। चलें तो इसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, सो गिवन मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, सो गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, क्या आंसर है बुक में, नॉन सिंगुलर। चलिए पहला पार्ट भी नॉन सिंगुलर ही था, यस सर, नोट कर लीजिए बेटा। स्टूडेंट्स कर लिए, कर लिया सर। तो हमने जो दो किए उनमें कोई भी सिंगुलर नहीं निकला, लेकिन 11 में उसने बोला हुआ है कि ये सिंगुलर हैं, देन हमने लैम्डा की क्या वैल्यू रखी, अब बताओ पहला करूं या दूसरा, दूसरा। मुश्किल काम मेरे से कराते हैं, चले कोई बात नहीं। 5 1 2 0 8 आगे क्या है, -2 है या 2 है, 2 5 1 3 2 0 1 और 2 λ -1 3। अगर इस पे भी ऑपरेशन लगा लेंगे तो आसानी रहेगी, क्या चाहते हैं ऑपरेशन लगाएं या उसके बगैर करें,
ऑपरेशन लगाया। चले देखिए जी, मैट्रिक्स पे लगा लेते हैं। ये जो चौथा कॉलम है ना, उसमें एक जीरो तो ऑलरेडी है, तो इस दूसरी रो को हम ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तीसरी और चौथी रो पे ऑपरेशन लगना है। तो अगर हम इस वन की जगह जीरो लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये रो थ्री है, इसमें से अगर ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाए यानी रो टू, तो जीरो आ जाता है। तो वन माइनस वन जीरो हो गया, सॉरी दिस माइनस दिस, रो थ्री माइनस रो टू, और जीरो माइनस फाइव माइनस फाइव, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस एट माइनस फाइव। बच्चों यही बनता है? Yes, sir. अच्छा, इधर हमें इस थ्री की जगह जीरो चाहिए, तो ये है रो फोर माइनस थ्री आर टू, और इसका ये भी मतलब होता है माइनस थ्री आर टू प्लस आर फोर। गुलाम मुस्तफा इसका क्या मतलब है? फिर माइनस थ्री को मल्टीप्लाई कर देना है रो टू के साथ, फिर प्लस करना है आर फोर के साथ रो फोर के। तो इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? फिर माइनस थ्री एक और ये प्लस थ्री करेंगे तो जीरो हो जाएगा। हाँ जी सर, दोबारा से पूछिए। इस फाइव को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? फिर माइनस फिफ्टीन आएगा, और माइनस वन से ये माइनस सिक्सटीन हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, और इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करें माइनस सिक्स प्लस लैम्डा, यही बनेगा? Yes, sir. अच्छा, इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करें माइनस ट्वेंटी फोर प्लस टू, तो ये माइनस ट्वेंटी टू आ जाएगा। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes. P determinant, तो फाइव वन टू जीरो, एट टू फाइव वन, माइनस फाइव जीरो, माइनस फाइव जीरो, माइनस ट्वेंटी टू, माइनस सिक्स प्लस लेमडा, और माइनस सिक्सटीन और जीरो। तो कॉलम फोर की सिंबल क्या होते हैं बच्चों? ये होता है वन फोर। तो वन फोर ऑड हो जाता है, तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आएगा। इस जगह का नाम है वन फोर। तो जब माइनस वन की बार वन प्लस फोर करते हैं तो फाइव आ जाती है, तो नेगेटिव आ जाता है। ऐसे ही है ना? Yes, sir. ये टू फोर से सिक्स आ जाता है, ये थ्री फोर से सेवन आ जाता है, और ये फोर फोर से एट आ जाता है। जिधर ऑड आए उधर माइनस, और जिधर इवन आए उधर प्लस। तो पहली एंट्री हो जाएगी जीरो माइनस जीरो, दूसरी एंट्री प्लस वन। तो बेटा इस जगह का नाम है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये छोड़ दिया, तो बाकी बचता है फाइव वन टू, माइनस फाइव जीरो, माइनस फाइव, और माइनस ट्वेंटी टू, माइनस सिक्स प्लस लैम्डा, और माइनस सिक्सटीन। वो प्रॉब्लम सर जी, तो कॉलम फोर से एक्सपेंड किया ना जी, कॉलम फोर से, इसको कॉलम फोर से एक्सपेंड किया ना जी, जी कॉलम फोर से किया, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम फोर। ठीक है, बोलिए। ठीक है सर। अच्छा, उसने बोला ये सिंगुलर है, उसने बोला ये सिंगुलर है, बोला हुआ ना? Yes, sir, बोला। तो फिर बी डिटरमिनेंट क्या होगा अगर ये सिंगुलर है? तो बी डिटरमिनेंट जीरो होगा। Yes, sir. तो इस बी डिटरमिनेंट की जगह जीरो लिख देंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ये थ्री क्रॉस थ्री का आ गया है, तो अगर इसको रो टू से या कॉलम टू से एक्सपेंड करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। Expanding by column 2. तो column 2 के लिए ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, और ये माइनस होता है।
माइनस वन, जीरो इज इक्वल टू माइनस वन. बेटा चलो लिख लेते हैं इसको. इस जगह का नाम क्या है? वन टू. यस सर. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दे तो बचता है माइनस फाइव, फिर माइनस फाइव, माइनस ट्वेंटी टू, माइनस सिक्सटीन. उसके बाद अगली एंट्री प्लस जीरो हो जानी है और उससे अगली एंट्री माइनस, ब्रैकेट में माइनस सिक्स प्लस लैम्डा. और इस जगह का नाम क्या है बच्चों? थ्री टू. थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए तो आ जाएगा फाइव टू, माइनस फाइव, माइनस फाइव. ठीक लिखा है बच्चों? यस सर. ये आ गया 80 और ये आ गया आपके पास 110 आई थिंक. यही आता है. जवाब तो दे दो. yes, अच्छा ये आ गया माइनस 25 और ये आ गया माइनस 10. ये माइनस 1 भी बाहर है तो ये बेटा कितना आ रहा है? माइनस 30 लैम्डा माइनस 6. और ये कितना आ रहा है? माइनस 15. यस सर. ये हो गया प्लस 30. ये माइनस और ये माइनस प्लस हुआ 15 लैम्डा माइनस 15 6 आर कितना होगा? 90. यस. तो ये हुआ 0 इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 15 लैम्डा प्लस 60 इज इक्वल टू 15 लैम्डा. 15 आगे डिवाइड हुआ तो 4 आंसर आया. चेक करो आंसर क्या है. फोर ही आ रहा है. फोर ही है. चलो तो ये सिंगुलर वाला भी हो गया. अब आप लोगों के पास 13 क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट निकालना है आप लोगों ने और 15 क्वेश्चन खुद ट्राई करना है. 15 में जस्ट क्या है? मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करें, लेकिन उल्टा मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइडें बराबर आएंगी. 15 इज योर असाइनमेंट व्हाइल 13 का डिटर्मिनेंट आप लोग निकालेंगे. एनी क्वेश्चन? नो सर. चले आज के लिए इतना ही. कल इंशाल्लाह इससे आगे देखेंगे. अल्लाह हाफिज़.